लिए नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है मैथ्स का, जिसमें कि जो हमारा पूरा एनसीईआरटी सिलेबस है, जो आपका नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, उस पर हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों को जितनी भी सारी चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें मैं आपको खुद ही सारी चीजें कराऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको, यानी कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बाय वीडियो। जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनसे सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसके अंदर बच्चों हम लोग सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डीपली सारा मैंने सॉल्यूशन कराया है, उन सारे क्वेश्चंस को आप समझिएगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसको वीडियो को रिपीट कीजिएगा और उसको दोबारा अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। क्योंकि अगर हम लोगों को मैथ पढ़ना, देखिए ऐसा है, वीडियो अगर आपने देखी और देखने के बाद रख दी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट तो है नहीं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज को, जितनी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वो उन चीजों को मैं आराम आराम से सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को बच्चों मेरी बात मान के सिर्फ 2 से 3 बार सोल्व कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने सारा आपसे बेसिक, जितना बेसिक हो सकता था मैंने बेसिक उठाया, पहले 8th क्लास का उस बेसिक से मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज आपकी करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, उसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 1.3, 1.4, इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टर्म में जितना भी हमारा सिलेबस आ रहा है वो सारा सिलेबस हम लोग 15 सितंबर या 20 सितंबर तक सारा कोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 बच्चों, चैप्टर आपका जो रहेगा, इस चैप्टर का नाम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नंबर सिस्टम। क्या है आपका चैप्टर? है नंबर सिस्टम, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ हमारे को जो है आपका, देखो चैप्टर क्या लिखा हुआ है, नंबर NUMBER नंबर SYSTEM नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है बच्चों? सिस्टम क्या होता है? कोई भी तंत्र, यानी कि कोई भी मशीन। नंबर सिस्टम यानी कि जो इस चैप्टर के हम लोग इस अंदर पढ़ेंगे, सारा डिजिट से खेलेंगे, सारी डिजिट्स क्या होती हैं, डिजिट्स क्यों बनी, क्या क्या ये चीजें हैं, किस तरीके से डिजिट्स खेलती हैं, सारी चीजें हम डिजिट्स को यूज करना सीखेंगे, कौन कौन से डिजिट का क्या नाम है, किस डिजिट को क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। इस टॉपिक में जो मुझे लगता है सबसे पहले डिजिट आती है वो आती है नेचुरल नंबर। कौन सी डिजिट आती है बच्चों? नेचुरल नंबर। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं बच्चों जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज होगी, क्या होगी वो? 1 से शुरू होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, अप टू 100 कहां तक हो सकती है बच्चों? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं बच्चों आप? जैसे आप आसमान में देखते हैं ना स्टार्स, आप स्टार्स गिनते हैं, क्या आप उन्हें काउंट कर पाते हैं? लेकिन गिन तो सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, लेकिन कहां तक गिन सकते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी कि पता नहीं कितने हैं, अनंत तक है, लेकिन काउंटिंग तो है बच्चों। तो इसे लोग हम लोग क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? 1 होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? 1 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये बात? नेचुरल नंबर के बाद बच्चों जो हमारे आते हैं वो आते हैं होल नंबर। कौन से नंबर आते हैं बच्चों? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर में कुछ नहीं होता बच्चों। होल नंबर के अंदर आप सिर्फ 0 ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? 0 प्लस नेचुरल नंबर, प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि आपका जो है 0 अगर मैं ऐड कर दूं और उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? होल नंबर। इसको हम शो करेंगे, यानी कि सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं 0 ऐड कर लूं, यानी कि 0 को भी काउंट कर लूं, तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। सबसे छोटा होल नंबर क्या है हमारा? 0 है। ठीक है बच्चों, ये 0, 1, 2, 3, 4 और सारे इनफाइनाइट तक क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों हमारी डिजिट्स आती है वो आते हैं क्या? इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को देख लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी इसको समझा रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिक क्लास है, आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। वैसे अगर किसी बच्चे का नहीं है याद तो वो देख के सीख सकता है इस चीज को। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 2, 3,
फोर अप टू सोन इनफाइनाइट, या आपके प्लस की वैल्यू यहां तक जाएंगी। उसके बाद बच्चों जीरो से पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अप टू सोन कहां तक जाएगा बच्चों, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक ये भी काउंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन टॉपिक है वो है बच्चों क्या, रेशनल नंबर्स। क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को अच्छे समझिएगा बच्चों, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों रेशनल नंबर्स हमेशा जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी भी कोई इंटीजर है और क्यू भी कोई इंटीजर है, यानी कि पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, यानी कि जो आपके लिखे हुए हैं डिजिट्स माइनस फोर, माइनस थ्री, वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इसमें से कुछ भी पी हो सकता है और कुछ भी क्यू हो सकता है। बस शर्त यहाँ पे ये है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो है, ये जो क्यू लिखा हुआ है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका वन, टू, थ्री, माइनस वन, टू, थ्री, ये सारे रेशनल नंबर है। कैसे बच्चों, देखिए वन के नीचे अगर मैं वन मान लू तो ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अगर टू अपॉन वन के नीचे मैं वन लिख दू तो ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू। इसके भी नीचे वन लिख देता हूँ ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रही है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है हमेशा रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन जो क्यू की वैल्यू है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कि मैं कभी भी किसी डिजिट को ऐसे नहीं लिख सकता टू अपॉन जीरो। ये जो है बच्चों ये क्या कहलाती है, अपरिभाषित। इसको अभी परिभाषित नहीं किया गया है, अनडिफाइंड। इसको हम बोल देते हैं क्या, अनडिफाइंड। इस डिजिट को अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। टू अपॉन जीरो कोई डिजिट नहीं होती है, इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड लिख देते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इरेशनल नंबर्स भी हैं, उसे मैं आपको नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें उसकी वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये पूछना चाह रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, आपको जवाब देना है यस या नो में। ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है हमारे, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है। ये हमें चीज प्रूफ करके बतानी है, क्या ये चीज हो सकती है। क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया होगा, उसने पूछा इज जीरो आ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो नहीं है। चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन को। देखिए क्वेश्चन नंबर में उसने क्या कहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। वो कैसे है उसने हमसे पूछा है, तो हम उसको बता देते हैं। हमें किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें लिख के दिखाना है। तो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन फोर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जहां पे पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, वन है यहाँ पे। और देखिए, और हम लोग इसको क्यों नहीं, उसने खुद ही कहा था कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखिए हमने कहीं पे भी क्यू जीरो नहीं लिया है, वन टू थ्री फोर, इन सारी फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स, हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन थ्री एंड फोर। डिजिट है हमारी थ्री और फोर के बीच में, हमें जो है सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बच्चों। इस चीज को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, उसने लिखा है थ्री एंड फोर, थ्री और फोर के मिडिल में हमें जो है सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
मैं आपको चीज बताता हूँ। अब देखिए 3 और 4 के बीच में आपको कोई डिजिट दिख रही है? नहीं, काउंटिंग में तो कोई डिजिट नहीं आती है, लेकिन बच्चों रेशनल नंबर में डिजिट्स आती हैं। वो डिजिट्स हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, या आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बहुत इजी सा पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन में, क्वेश्चन में कहा है 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। कितने? 6 रेशनल नंबर हमें 3 और 4 के बीच में फाइंड करने हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपको कुछ नहीं करना 3 और 4, ठीक है? आपको 3 और 4 में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिससे जो ऊपर वाला जो गैप है, इन दोनों डिजिट्स का जो गैप है, जो बीच के डिजिट्स हैं, वो कितने आ जाए, लगभग 6 डिजिट्स का गैप हो जाए। जैसे कि मैं अगर इस 3 के अंदर जो है आपका बच्चों किसकी मल्टीप्लाई करूं, 5 की मल्टीप्लाई करूं, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, तो 15 और 20 के बीच में कितना गैप है, 5 का, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मिनिमम 6 होना चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा कितना बनता है बच्चों, 3 6 जा 18 और 6 जो है 4 जा 24, कितना बना, 6 4 जा 24, तो अप्रोक्स मेरा बैठ रहा है, हो सकता है इतना कि बन जाए, ठीक है? लेकिन फिर भी 6 डिजिट बननी है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ले लेता हूं। मैंने अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं बच्चों किससे, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से। अगर मैं किसी डिजिट में मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर रहा हूं तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा, 7 से, इधर भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है? और बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर डिजिट है, 2 डिजिट उसने पूछी है और उसके बीच में अगर रेशनल नंबर्स पूछे हैं हमसे, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं किसी भी 2 डिजिट के बीच में जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं, आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से कर लीजिए, 10 से, जितने भी आपको रेशनल नंबर चाहिए उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कितने से करा, 7 से करा और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 7 से करो और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? जो मेरी डिजिट बनेगी बच्चों वो कितनी बनेगी, 3 7 जा 21 और यहाँ बनेगा बच्चों 7 और यहाँ बचेगा 4 7 जा 28 और यहाँ बनेगा बच्चों 7। अब आप एक चीज देखते रहिएगा, ठीक है, दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो ये जो डिजिट्स हैं ये ऊपर वाले जो है आपका न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, जो सा न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही डिजिट आपकी बड़ी होगी, सॉरी, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो डिजिट बड़ी होगी और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो डिजिट छोटी होगी। तो डेफिनेटली 21 छोटा है 28 से, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिजिट्स आएंगी। तो देखिएगा कितनी, कौन सी डिजिट आएंगी, 21/7 है, 21 के बाद कितना आता है बच्चों, 22/7, 23/7, 24/7, दिख रही होगी आपको चीजें, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये देखिए सारी जो डिजिट्स हैं, ये सारी डिजिट्स हमने इनके बीच में निकालनी है। उसने कितनी डिजिट पूछी थी, 6 रेशनल नंबर्स हमने कितने फाइंड करे हैं, 3 1 2 3 4 5 6, तो कितने रेशनल नंबर आ गए बच्चों हमारे, 6 रेशनल नंबर्स आ गए, किसके बिटवीन में, देखिए 3 7 जा कितना होते हैं बच्चों, 7 3 जा 21, तो ये कितना आ गया, 3 22/7, 23/7, इसको ऐसे लिख लेगा आप, ठीक है, ये आपके डिजिट में, और ये 7 4 जा 28, तो देखिए बच्चों 3 और 4 के बीच में हमने 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों जो डिजिट्स जिसमें भी वो पूछेगा, मिडिल टर्म्स पूछेगा, रेशनल नंबर पूछेगा, वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बच्चों आंसर शीट से मैच करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है उसने किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई करा हो, ठीक है? तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उस डिजिट के बीच में इतना जो है गैप आना चाहिए कि जितने उसने रेशनल नंबर पूछे हैं वो रेशनल नंबर आपको उतने मिल जाए। उसने अगर 4 पूछा होता तो मैं कम से मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितने डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतने से ही नीचे करूंगा, और सेकंड डिजिट में भी उतने से ही करूंगा, क्योंकि मुझे जो बेस है बच्चों, जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमारा, वो मुझे सेम बनाना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा हमारा तभी मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाऊंगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, मैंने इसमें इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लिया है जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन जो है बच्चों 3/5 and 4/5, 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में हमें जो है बच्चों 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों? ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, किस किस के बीच में, 3 और 5 के बीच में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिजिट है हमारी,
थ्री अपॉन फाइव एंड जो है बच्चों फोर अपॉन फाइव, इसके बीच में हम लोगों को जो है रेशनल नंबर फाइंड करने। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हमें कितने फाइंड करने हैं? फाइव रेशनल नंबर्स। कितने फाइंड करने हैं हमें? केवल फाइव रेशनल नंबर्स। तो अब हमारी बच्चों मर्जी है, हम लोग किसी डिग्री से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिखा थ्री अपॉन फाइव और यहाँ पे मैंने लिख लिया फोर अपॉन फाइव। जितने आपको अभी देखिए आप थ्री दिख रहा है और ये फोर दिख रहा है आपको। अब आपकी इच्छा है आप कितने से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में आपको कितने चाहिए? फाइव रेशनल नंबर चाहिए। तो आप लोग को लगभग जो है इन दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं एक डिजिट ले लेता हूं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स से बच्चों, यहाँ पे भी सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स है। ठीक है, तो ये मेरी डिजिट बन जाएगी थ्री सिक्स जा एटीन और फाइव सिक्स जा थर्टी। ठीक है, ये बन जाएगा ट्वेंटी फोर, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर और ये बन जाएगा फाइव सिक्स जा थर्टी। ठीक है बच्चों, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए बच्चों, हमारा जो बेस है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो दोनों का सेम है। ये हमारी पहली शर्त है कि दोनों सेम होने चाहिए। अब उसके बाद बच्चों क्या है, हमारा एटीन आया ना, एटीन के बाद क्या आएगा बच्चों? नाइनटीन, फिर ट्वेंटी, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और उसके बाद बच्चों हमारा 24 लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए बच्चों? इसके बीच की टर्म्स हो गई जो उसने हमसे पूछे थे, फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके? थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव। देखिए बच्चों, अगर मैं इनको डिवाइड करके सॉल्व करूंगा तो ये कितना जाएगा आपका? सिक्स से कर देता हूँ, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फाइव जा थर्टी और इसके बीच में हमारी ये बन गई नाइनटीन अपॉन थर्टी, ट्वेंटी अपॉन थर्टी, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30 और ये जो हमारे डिजिट है इसको फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में बच्चों हमारे कितनी टर्म्स आ गई हैं? 5 जो है हमने रेशनल नंबर्स फाइंड कर दिए हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो रेशनल नंबर अगर हमें किसी भी डिजिट के निकालने हैं तो हम इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ट्रू फॉल्स, हमें जो है ट्रू फॉल्स डिस्कस करने हैं। तो ट्रू फॉल्स हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। क्या लिखा हुआ है पहला बच्चों, इसका थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। देखिए क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो हमें इसको पता लगाना है कि ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो हम लोग आंसर करेंगे उसका हमें रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने रीड किया, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इज अ होल नंबर, वो सारे होल नंबर होंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं आपको इस पे बता देता हूं लिख के। मैंने अभी आपको समझाया था पीछे वाले डिजिट में, देखिए इसने कहा एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमने किस तरीके से लिखा था बच्चों होल नंबर्स को, देखिए जीरो वन टू थ्री फोर अप टू सोन इनफाइनाइट। ये जो वन से स्टार्ट हुआ था बच्चों, ये क्या था हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, वन से जो स्टार्ट हुआ था क्या था, और जीरो ऐड कर दू तो होल नंबर। तो देखिए बच्चों होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो है बच्चों, यस सारे नेचुरल नंबर है। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज ने सॉल्यूशन पूछा था, क्या ये सही है ये नहीं है, तो हमने कहा यस ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो सारे जो इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर होंगे। तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड का ट्रू फॉल्स का, नो कि सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों बच्चों, अगर मैं लिख दूं क्या उसने पूछा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो हमारा माइनस वन क्या होल नंबर है, माइनस टू क्या होल नंबर है, माइनस थ्री क्या होल नंबर है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, जो हमारा प्रत्येक रेशनल नंबर है वो क्या होल नंबर होगा, इस चीज को हमें बताना है बच्चों। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर भी, नो कि सभी रेशनल नंबर जो है बच्चों होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखिए वन अपॉन टू क्या होल नंबर है, वन अपॉन थ्री क्या होल नंबर है, टू अपॉन थ्री क्या होल नंबर है, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, सारे एक एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, आप अच्छे से नोटपैड में करिए इन्हें। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अपनी, एक्सरसाइज नंबर 1.2।
2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।